नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे पाव से बहुत टेस्टी स्नैक्स। पाव से स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए पाव, बेकिंग सोडा, नमक, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, राई, हरी मिर्च, धनिया, आलू, बेसन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं आलू की फिलिंग। सबसे पहले गैस पर डालें रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी राई, राई को थोड़ा चटकने दें। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, हरी मिर्च को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। इसे हम अच्छे से मैश करकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, काली मिर्च, नमक, इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और गैस को कर देंगे ऑफ। अब हम लेंगे बेसन, नमक, बेकिंग सोडा और पानी से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी डालकर एक हम लेंगे पाव, इसमें हम बीच में से कट कर लेंगे। पूरा कट नहीं करना है, बस इतना सा कट करना है। फिर हम लेंगे हमने आलू का जो पेस्ट बनाया था, इसे हम ऐसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और इसे हम इस जो हमने छेद बनाया है, होल बनाया है, उसमें हम इसे फिट कर देंगे। इस तरीके से हम पहले चारों कर लेंगे। गैस पर हमने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम लेंगे पाव जिसमें हमने आलू पेस्ट लगाया है, इसे हम इसमें डिप कर लेंगे चारों साइड से। और इसे हम फिर फ्राई कर लेंगे। सही तो ये देखिए, ये हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा लें और इसे निकाल लें जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। ये देखिए, पाव से स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।